ये भी हाँ आरोप है और कुछ पसमांदा कार्यकर्ताओं की आरोप है कि आप भाजपा को क्लीन चिट दे देते हैं। भाजपा पर भी तो कुछ इल्जाम जाएगा ना कि उन्होंने वो थोड़ा लगातार टारगेट कर रहे हैं, हम सा टारगेट देखिए कर ऐसा रहे हैं थोड़ा सा, मुस्लिम। ये लोग पढ़ते लिखते नहीं, उसमें भाजपा में जो आले रसूल अहले बैत तो उनसे नहीं पूछते हैं क्यों क्लीन चिट दिया हुआ है। सारे अशराफ सैयद सारे बैठाइए, चाहे जिस मसलक का हो, चाहे जिस विचारधारा का हो, कहो कि भाजपा के सैयदों को एक तरफ से गलियाना शुरू करें, कहे कि सब गलत कर रहे हैं, आले रसूल हैं, अहले बैत हैं, उनसे आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। जो भाजपा में घुस के सत्ता वर्चस्व, हमारे पास, हमको भाजपा ने क्या दिया है कि हम क्लीन चिट देंगे? हम होते कौन है क्लीन चिट देने वाले? और क्या मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि बैठा हूं एकदम जामा मस्जिद पे ऐसे बैठ कर क्लीन चिट बीजेपी को वोट देना है, ये सब काम अशराफ करता है। कभी कभी सपा को क्लीन चिट देगा, कभी बसपा को क्लीन चिट देगा, कभी उसको क्लीन चिट देगा। बहुत सवाल सही, बहुत पूछने सही। वाले भी दिमाग इन सब का पता नहीं कहा रहा था, कुछ पढ़ते लिखते भी है कि भैया साहब क्लीन चिट दे रहे। अरे क्या मैं वहां बैठा हुआ क्या जमियतुल उलमा हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर के चेयरमैन पे क्लीन चिट दे रहा हूँ मैं? भाई देखिए नहीं, हमने कहा कहना कि देखिए मैं इस पे कह रहा हूँ, हाँ ठीक देखिए है। मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी जितनी भी है, हम सारी पार्टियों से भागीदारी की बात कर रहे हैं राजनीतिक भागीदारी पे, और हमारा ये भी मानना है कि अगर भाजपा भागीदारी देगी तो भाजपा में जाएंगे, अरे लेकिन अगर अरे भाजपा हमको आप मंत्री बनाती है हम लेकिन मंत्री बनेंगे। जी सुनिए सर, इस पे कहा जा रहा है कि अगर भाजपा की दी हुई जन्नत भी हम कबूल नहीं करेंगे, ऐसे मतलब फेसबुक पोस्ट अब आ रहे देखिए हैं। देखिए अशराफ उसी में फंसाता है ना, वो जाल रखे है इस्लाम और मजहब के नाम के। जैसे फाकिर साहब ने कहा कि शासक और मजहब का इस्तेमाल करता है, इतना खूबसूरत इस्लाम धर्म है उसको एकदम इन सबों ने मटिया मेट कर दिया। अशराफ उलमा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इस्लाम पे सबसे ज्यादा जुल्म अशराफ उलमा ने किया है, इतना खराब कर दिया इस्लाम की शक्ल कि आप पसमांदा ढूंढे उसको नहीं मिलता, वो तो पसमांदा पढ़ लिख गया है। जज्बाती एतबार से भारत का जो भारतीय जो जनमानस होता है बहुत आध्यात्मिक होता है, इसका चरित्र है आध्यात्मिक, चाहे जिस, इसीलिए यहाँ पे हर मजहब धर्म जाति फलती, जाति नहीं धर्म जो है मजहब जो है विचारधारा ये फलती फूलती है। तो इस तरह की बात नहीं है, ये थोड़ा सा स्टडी करेंगे समझेंगे। देखिए इस तरह के अशराफ लोकेशन से और जो पसमांदा अशराफ एजेंटों की तरफ से इस तरह के सवाल आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए, आंदोलनकारियों को दिग्भ्रमित करने के लिए, और पसमांदा समाज जो आजादी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है उसको वापस गुलामी की तरफ वो मजहब लेके आ रहा है। असल में सर जी आपसे सवाल इसलिए आ रहा है कि आप लगातार ऐसे संगठनों के चैनल पर जा रहे हैं जो हाँ वो कह लेते, मैं खुल के बोल रहा हूँ, वो बहुत अच्छा सांप्रदायिक है। संगठन, बहुत हाँ सांप्रदायिक ठीक है संगठन मैं है, इसका जवाब देता आप उसमें लगातार जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबको डर हूँ। है कि ये पूरे आंदोलन को ही ये जो है भाजपा ही बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने किसी तरीके कोई भला होगा या इनकी कोई डील हुई होगी जिसके जिसके लिए ये काम कर रहे हैं। मतलब मैं खुल के ही चलिए पूछ रहा हूँ, मुझे इसमें लगा नहीं। इसमें इस सवाल को, इसमें एक बड़ी पॉजिटिव चीज है, लगातार मेरे से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे लग रहा है कि पसमांदा आंदोलन अब इस पोजीशन में आ गया है, क्लीन चिट देने की पोजीशन में, मंच बनाने की पोजीशन में, मतलब वो मान के चल रहे हैं कि हम इस लायक हो गए कि कुछ अपने से कर लें। तो क्या आपको लगता है कि मैं जो है भाजपाई चैनल पे जाके बैठ रहा हूँ, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठा लीजिए ना, वहां बैठाइए, देखिए एकदम बढ़िया शेरवानी, टोपी भी रखा हूं मैं, तुर्की टोपी पहन के जाऊंगा इंशाल्लाह, जिस दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बुला के बगल में बैठा ले राबे असन्नत भी, कहे कि आइए फैया साहब बैठिए, हाँ कहिए क्या दर्द है आपको, या आपके जो सेकुलर चैनल है वो बुला ले हमको। भाई देखिए एक गरीब आदमी है, भूखा है, दरवाजे दरवाजे, उसको क्या पता है कि अंदर भाजपाई का है कि मुस्लिम है कि जो राइट विंग है कि सेकुलर है कि लेफ्ट है कि राइट है कि सेंटर, जहां से उसको खाना मिलेगा वो लेके अपना पेट भरेगा, जब जिंदा हो जाएगा तब सोचेगा अगर इस दरवाजे से खाना नहीं लेना चाहिए थे तो बहुत हरामी है, इस दरवाजे से नहीं लेना चाहिए थे तो फलनवा है ढकनवा है। यहाँ तो हम जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई साहब, हमारे दुख, हम अपना दुख दर्द रो रहे हैं, हमारा दुख दर्द रोना इन पर इतना खराब लग रहा है कि उनके दरवाजे पे जाके लो रहा है। अबे तुम अपने दरवाजे पे क्यों हमको मार रहे हो? तुम ये अभी आपने एक सवाल पूछा था फकीर साहब से कि क्लैश हो जाएगा तो हम मार काट मचा देंगे, है भविष्य में क्या होगा हाइपोथेटिकल, उसका जवाब आज ही हमसे चाह रहे हैं। ये जो पूरे सदियों से 1400 साल से जुल्म हमारे ऊपर कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं देंगे, ये बच जाएंगे, टेटुआ निकाल लिया जाएगा, पसमांदा आंदोलन ये जो घेंघेटी खींच लेगा इनकी, अब हम बहुत तैयार हो चुके हैं। ये पहले जाके पूछे जिनको बहुत दर्द हो रहा है, हाइपोथेटिकल सवाल कर रहे हैं कि ये क्लैश हो जाएगा तो बंटवारा हो जाएगा तो मार धाड़ हो जाएगा फिजिकल हो जाएगा। जो हुआ है, अकबर ने साफ ऑर्डर दिया था कि मछुआरे को और कसाइयों को बस्ती से दूर, इनसे जो जी मेल जोल रखे उस पर जुर्माना लगेगा, सजाएं थी अकबर ने ऐसे दी थी,
सजाए कि मतलब नीच जात का जो होगा तो उसपे वो गुनाह करता तो उसपे ज्यादा पैसा जुर्माना लिया जाएगा। तमाशा बना के रखा हुआ आपने। रजालत टैक्स तो 1936 तक चला ना सर जी, जो भी और रजालत टैक्स के लिए तो बकायदा वो लड़ाई हुई है, इस पे बात नहीं करते हम। भविष्य में जाके इनके मारने लगेंगे, क्लैश हो जाएगा, हमारी औकात है मारने की भाई साहब? हम तो अपने बच्चे को नहीं पाल पाते हैं, हम अपना दुख दर्द रो रहे हैं भाई साहब, इनको बड़ा खराब लग रहा है, फलाने के दरवाजे पे जाके क्यों रो रहे हैं? अबे तुम मारोगे तो हम फलाने के यहाँ तो जाएंगे। अरे तो सर आपके अपने संगठन से भी आवाज उठने लगती है ना कि वहां पर जा रहे हैं। देखिए देखिए संगठन का क्या मसला है, कई विचारधारा के लोग रहते हैं, सारे हमारे साथी हैं, वो आपस में बैठ के हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी जो है ये अशराफ की तरफ से, अशराफ एजेंटों की तरफ से जो संगठन में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन हम पसमानदा आंदोलनकारी हैं और कभी घर में से बाहर निकल के 8-10 मीटिंग नहीं किए होंगे। अच्छा एक चीज बात ऐसे करते हैं कि मैं एक चीज और देखा हूँ, ये मैं व्यक्तिगत मेरा है। देखिए इसका ये इनका इनका जितने इस तरह के सवाल करते हैं कि मैं जो है मैं आंदोलन को भाजपा ही बना दे रहा हूँ, भाजपा चैनलों पे जा रहा हूँ, वो सेकुलर चैनल पे हमको जगह दिला दे, हम वहां जाना बंद कर दे। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हमको कुर्सी दिलवा दे, जमातुल उलमा हिंद में हमको बैठवा दे कि हाँ आइए पसमानदा का पक्ष रखिए। इनकी औकात नहीं है हमसे बात कर लेने की। किसी भी पसमानदा आंदोलनकारी से, 15 साल का लड़का हमारा पसमानदा आंदोलनकारी, पसमानदा मुद्दे पे अरशद मदनी, महमूद मदनी, मौलाना बुखारी, जितने बड़े बड़े अशराफ के हैं चाहे जिस विंग के हैं, उनकी औकात नहीं है, हैसियत नहीं कि किसी पसमानदा के 15 साल के एक्टिविस्ट से बात कर ले। ये मेरा खुला चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से, अगर उनकी औकात है तो हमारे बैठ के डिबेट कर ले। एक चीज और, राहिल हसी भाई ने बड़ा अच्छा एक सवाल किया था जब ये हो रहा था कि पसमानदा में लोग जा रहे थे, वो पूछे थे कि कितने लोग हो पसमानदा में, जो भाजपा ही हो गए हो, 12-14 लोग, उसमें 4-5 लोग चले गए हो, 6-7 तो बचे हो तुम लोग, तो उसको कहने मैं उन्हीं की बधाई वाली बात से ही बात निकाल रहा हूँ। मैं ये गौर करता हूँ कि जो पसमानदा कार्यकर्ता जो जुड़े भी है वो अपने घर अपने भाइयों तक को नहीं जोड़ पाए हैं। मैं ये व्यक्तिगत है, पता नहीं मैं भी हो सकता हूँ, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। मेरा अनुभव यही कि वो अपने परिवार में एक सदस्य नहीं जोड़ पाए हैं, वो समाज को कैसे फिर आप लोग जागरूक करेंगे जी।